नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल आपकी सपोर्टिव लाइन जो है अवेलेबल हो रही है। और अगर इस पीरियड की हम बात करें तो ये पीरियड आपके जीवन में रहने वाला है 34 का, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर का। तो क्या रहेगा कि जब ये सपोर्टिव लाइन आती है तो लाइफ में कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण जो भी डिज़ायर या एम्बिशन है वो सब कंप्लीट होता है, यानी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और तमाम तरह का सुख सुविधा समृद्धि बढ़ने के साथ साथ जो भी तकलीफ कठिनाई अभी तक आप जो फेस करते आ रहे हैं वो सब ओवरकम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो पहला प्रश्न है कि जॉब लगने के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माइंड और लाइफ लाइन भी जब इंडिपेंडेंट इस प्रकार से होते हैं तो इस कंडीशन में खुद के दम पर काम करने की युति निर्मित होती है, यानी अर्निंग बहुत अच्छा बढ़ने लगता है। और यहाँ पर भी भाग्य रेखा 34 के एज के बाद से ही मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं और घर नया लेने के चांसेस भी इसी उम्र के बाद, यानी 34 और उसके बाद में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर प्रश्न इसके अलावा यह उठता है कि जो ज़मीन है उसके रिगार्डिंग आपका काम बनेगा या नहीं, तो बिल्कुल बनेगा, ज़मीन भी बिल्कुल मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब भी फिश सिंबल आता है तो ये प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी लेकर के आता है। लेकिन ये फिश सिंबल क्रॉस के साइन के साथ बना हुआ है, क्रॉस का साइन जब भी सूर्य पर होता है तो अपनों के द्वारा धोखा मिलता है, मिसगाइड मिसयूज होते हैं और आपको समाज में नाम इज्जत तो मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी या फिर वैभव कीर्ति धन है वो बहुत अच्छा होने के बाद समाज झुकेगा, तो इसलिए मान सम्मान समाज से तो मिलेगा, लेकिन घर परिवार के रिगार्डिंग ज़्यादा सुख मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपके तिल का चिन्ह है गुरु पर्वत पे, तो मायके से या जो घरेलू मैटर है उसमें प्रॉपर रिस्पेक्ट सक्सेस वैल्यूज नहीं मिल पाती है। तिल का साइन एक कर्स होता है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में या फिर पिछले जन्म में खासकर उन लोगों को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए, तो आपको भी रिटर्न में नहीं मिल पा रहा है घर परिवार से। हालांकि ये जो साइन होते हैं, तिल के साइन हुए, ये सब एक प्रकार का मार्क होता है जो हम बहुत पहले से कैरी करके लेकर के आते हैं, तो इसीलिए ये हथेली में तिल का होना इतना ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि ये गुरु पर है और वो भी साइड में है, तो इसका असर सिर्फ आपके फैमिली लाइफ से रहेगा, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। फैमिली के रिगार्डिंग जब जब आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जब जब उनसे कुछ चाहेंगे, तब तक आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं परेशान ही होना पड़ेगा। समाज में एक बार रिस्पेक्ट इज्जत सब मिल जाएगा, क्योंकि फिश का साइन प्रॉपर ग्रोथ दिला देता है, सक्सेस दिला देता है, नामी व्यक्तित्व में नाम आने लगता है। हस्बैंड को भी लाइफ में ग्रोथ वगैरह सब चीज़ होगी, बच्चों का भी लाइफ में सेटलमेंट सब होगा, तभी नाम समाज में अच्छा हो पाएगा। लेकिन घर परिवार के रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस वरिस तो रहेगा, इसलिए हो सके तो जुपिटर रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन ही मत करिए, तो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर ये जो है ठीक रहने वाला रहेगा। इसके अलावा प्रश्न ये कि ज़िद्दी क्यों है, तो ज़िद्दी इसके पीछे रीज़न है, एक तो थंब बहुत स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन में चाहे सही हो या गलत एक बार जो निर्णय लिया उस पर अड़िग रहते हैं, और माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंटली रन कर रही है आपकी पहली वाली, तो इस कंडीशन में किसी की सुनने, किसी से दबके रहने की आदत होती नहीं है, एक बार जो ठाना है वो करके दिखाना है। हालांकि ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं होता, इसमें पता रहता है कि हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन तब भी वो काम करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में जब भी कोई निर्णय ले खासकर या योजना बनाए तो थोड़ा दूरदर्शिता रख करके काम करें, तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जीवन में सफलता मिलेगा या नहीं, या घर परिवार में जगह बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए, जीवन में सफलता तो 100% मिलेगा आपको, उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि सूर्य आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है और सूर्य है आपका खुद का मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, तो बड़े से बड़े को भी आपके सामने आकर के झुकना पड़ जाएगा आगे चल करके। लेकिन जहाँ तक रही कि घर परिवार में दिल में जगह बना पाएंगे नहीं, तो आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लीजिए घर परिवार में, ये थोड़ा मुश्किल है जगह बना पाना ऐसा, क्योंकि आपने पहली बार तो ऐसा कुछ किया नहीं कर्म खराब कि ऐसा कुछ करना पड़े। लेकिन जब जब आप उम्मीद किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग घर परिवार से रखेंगे, आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी ऐसे तिल के साइन देखें जुपिटर पे, तो बहुत रेयर ही केस ऐसे, या फिर मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं जिसमें कि फैमिली लाइफ से बेनिफिट आ गया हो। हाँ, सपोर्ट ज़रूर आ जाता है समय समय पर, वो कर्मों पर भी डिपेंड करता है वो भी, लेकिन यहाँ जब तिल हो तो मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप अपना कर्म करते रहिए, उनके प्रति जितना हो सक रहा है सब करिए, पर एटलीस्ट वहाँ से कोई उम्मीद ना रखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके फिजिकल
फिंगर के एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। अभी क्या है कि आपके फिंगर में सेकेंड जो फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही, तो ऐसा आपको लग सकता है कि लंबी उंगली है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी उंगलियों की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है। इस कंडीशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होता है, पेशेंस थोड़ा सा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और किसी से दबके या किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो थोड़ी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट महसूस हो रहे हैं, या फिर एक समय पर जब भी एक से ज़्यादा काम करेंगे तो उन सभी कार्यों में थोड़ी अड़चन बाधा रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी अपने काम में या फिर एक समय पर एक ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ कंधों पर लेकर के चलने वाले देखने को मिलते हैं, और जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ देखने को मिले तो ये अध्यात्म में रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करके देता है। आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है इसीलिए किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, सबसे मेन बात, और दूसरा ये कि बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, तो अपने खुद के ज्ञान और खुद के द्वारा अत्यधिक काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे जीवन में देखने को मिलते हैं जिसमें फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो और किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, बिल्कुल पसंद नहीं होता किसी से मदद मांगना, और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। सीधी खड़ी रेखा तो बहुत ही बढ़िया है कि ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं और जो फैलेंजेस है, खासकर फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं लेकिन इंटरनल मार्क्स थोड़े डेवलप ठीक नहीं है, तो फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है, एक बार जो ठाना निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी है तो इस कंडीशन में इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा आता है, यानी पूर्वानुमान आभास सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति अध्यात्म रुचि, ये सभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे देता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपके स्क्वेरेशन में कन्वर्ट हो रहा, जो हार्डवर्किंग नेचर की निशानी है, यानी शारीरिक और मानसिक कभी किसी प्रकार के मेहनत पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। बात करें गुरु के क्षेत्र से वापस से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु का क्षेत्र विकसित अच्छा तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक किस्म का व्यक्तित्व देता है, ज्ञान में कोई कमी नहीं होती और ज्ञान का सदुपयोग भी अच्छे से कर पाते हैं, बहुत अच्छे लीडर एडवाइज़र गाइडर कंसल्टेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके तहत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो गुरु जब विकसित अच्छा हो तो ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है, जीवन में कभी किसी प्रकार के सुख सुविधा समृद्धि या रिसोर्सेज की कोई भी ऐसे कमी नहीं होती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं स्पाउस कहने के बाद, यानी शादी के बाद जीवन में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, सब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। बस तिल है तो थोड़ा ये कर्ज है आपका जो आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा। बीच में जब ऐसी रेखा होती है तो बहुत बड़े समाज सेवक किस्म का व्यक्तित्व होता है, आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योग निर्मित होते हैं। वी सिंबल का साइन हो तो इस कंडीशन में दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ों से पीछे नहीं हटते, और यही रीज़न है कि तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति भी आपका रुचि अच्छा देखने को मिलेगा। शनि के ऊपर खासकर देखें तो आपका जो रेखा है वो हृदय रेखा से निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आप अपने मन का तकरीबन सब काम करेंगे, यही रीज़न है कि आपके जीवन में आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को खाली हाथ जाने नहीं देंगे, हर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप देखने को मिलेंगे, इसलिए इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी में कोई भी लाइफ में कमी नहीं होता है और जो कुछ भी चाहते हैं वो निश्चित रूप से हासिल कर पाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको कह दिया गया और ये चीज़ होगा भी आपकी लाइफ में 100% कि जो भी आप घर चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, काम चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा, क्योंकि ये रेखा सेटिस्फेक्शन देती है। शनि पर कोई भी रेखा हो वो संतुष्टि देने के लिए आती है, तो मन का जो काम करेंगे उनसे आपको सबसे संतुष्टि मिलेगा। जीवन में पैसों की अपॉर्चुनिटी कोई भी कमी इस कंडीशन में नहीं होती है, बस ये है कि आपके जीवन में कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी। भाग्य रेखा अलग अलग जब चलती है तो बार बार काम में परिवर्तन होने का योग निर्मित होता है, तो कोई काम कंटिन्यू हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो तकरीबन 34 के एज से, तो 34 के एज के बाद ही आपके जीवन के सारे काम बनेंगे, घर का हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ, जॉब का हुआ, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी कर पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल देखने को मिल रहा है। भाग्य में तो आपके जीवन में कोई भी वैसे कमी है नहीं,
जो कुछ चाहेंगे या फिर जिसके लिए जो दुआ भी करेंगे वो भी सामने वाले व्यक्ति को लग जाएगा। जब शनि और सूर्य के बीच में इस प्रकार की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन अच्छा दे पाते हैं। और आपकी जो सूर्य रेखा है उसके द्वारा जो है फिश सिंबल का साइन बन गया, तो ये लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस और अच्छा नाम इज्जत के साथ साथ रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। बुध के क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो ये भी विकसित ठीक है, तो बोलचाल की कला में ये बहुत अच्छा सुधार करने लगता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम संभालने की योग्यता निर्मित होती है। आपका जो झुकाव है अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी डेडिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु के तरफ झुका हुआ, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा बिल्ड करता है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी ये क्रिएट करके देता है। इसलिए आपके अंदर दया, करुणा, अपनापन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। आप जैसे जहाँ तक तो झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन, ऐसी सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। किसी का रोना वगैरह भी नहीं देख पाते, इतना इमोशनल नेचर होता है। बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। हाँ, थोड़ा ज़िद्दीपन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन आपका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा साफ है। तो इस कंडीशन में किसी का दुख, दर्द, परेशानी ज़्यादा देख ही नहीं पाएंगे। अब एक बार व्यक्ति आकर के माफ़ी मांग ले, उसको बिल्कुल हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे आप, अगर किसी से कोई गलती हो जाती भी है तो। आपका जो डिवोशन है अपने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ रहने वाला है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी के हैं आप, इसीलिए इमोशनल हर्ट अपने ही घर परिवार के द्वारा ज़्यादा होते रहते हैं आप। माइंड लाइन के ऊपर बात करेंगे तो माइंड लाइन देखिए एक जो इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि बचपन से आपको स्वतंत्रता अच्छी मिली या फिर आपने अपने मन का या जिद के बलबूते पर सारा काम किया। तो इस प्रकार की माइंड लाइन ठीक होती है, लेकिन ये भी एक एक डिक्लाइन हो गई तो कई मरतबा आप थोड़े डीप थिंकिंग करते हैं, हर बात के जड़ तक जाना, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, राय का पहाड़ तिल का तार हो जाता है। ओवर थिंकिंग से हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही आती है, इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, तो उसके ऊपर आप ध्यान देवें, ना कि ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपको नर्वसनेस या फिर मेंटल टेंशन, प्रेशर, एनजाइटी बढ़ सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी मस्तिष्क रेखा है, ये क्या करती है, ये मेंटली एक तो स्ट्रांग बनाती है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मेंटेलिटी भी क्रिएट करके देता है कि ये जो काम करें ठीक है या नहीं, इसलिए बार बार ध्यान में, निर्णयों में या फिर योजना में परिवर्तन करते हो आप जैसे जहाँ तक पाए जाते हैं। हालांकि ये कोई सपोर्टिव लाइन, बहुत नेगेटिव साइड नहीं होता है, लेकिन कोई प्रोमिनेंट डिसीजन लेने नहीं देता है। बार बार डिसीजंस में परिवर्तन होने के योग निर्मित होते हैं। अभी देखेंगे तो अभी 35 के एज के आसपास में आपको जो है फिश सिंबल का साइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है, तो जीवन में जो जो भी आपकी प्लानिंग रहेगी या अभी है, वो सब के सब डेफिनेटली सफल हो पाएगी। और खुद की बुद्धिमत्ता के द्वारा, खुद के निर्णयों के द्वारा आपको लाभ 35 की उम्र से लगातार मिलना शुरू हो जाएगा। आप जैसे जातक खासकर पत्रकारिता में या फिर ऐसे किसी भी काम में जिसमें थोड़ा लेखन कार्य हो, उन सभी कार्यों में निश्चित रूप से लाभ पाने के योग अच्छे निर्मित हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी मजबूत है तो सीखने, समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहेगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाएंगे और तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा तो जीवन में कभी भी हार मानने नहीं देती है अथवा तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से बड़ी सरलता से निकल पाते हैं। आगे चल करके इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस और अच्छा अर्निंग करने के चांसेस भी आपके हाथ में हैं। अब जैसे जीवन रेखा ये सीधे बाहर की तरफ भी जा रही है, तो इस कंडीशन में भी यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलता है। तो भीलवाड़ा से दूर, जन्म स्थान से दूर आपको जो है रसने बसने के योग भी अच्छे निर्मित हैं। और यहाँ पर सहयोगी रेखा है तो जीवन में एकाएक स्पाउस का, यानी जीवन साथी का, बच्चों का, दूसरों का सहयोग अच्छा मिलने लगेगा, जिससे तमाम तरह के कष्ट परेशानी दूर होंगे। क्योंकि ये सब जो रेखाएं हल्की हल्की सी आ रही हैं, ये सब घरेलू चिंतन, मनन या फिर तमाम तरह के घरेलू तकलीफ, परेशानी को ही दर्शाता है। लेकिन ये जो सहयोगी रेखा है, इस कंडीशन में किसी न किसी के सहयोग से तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधाओं से दूर हटते हैं और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मंगल का क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान देना है अंदरूनी, बाकी बाहरी मंगल तो विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा पर ध्यान देवें, मानसिक स्थिति मजबूत है, शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर है। इस कंडीशन में कभी भी अपने कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए खर्चे आपसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ी यूनिक चॉइसेस होती है। लेकिन इस कंडीशन में लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी यह देता है। शुक्र प्लेजर का कारक है, इसलिए सारे प्लेजर फुलफिल यहाँ पर आपके होंगे। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपको स्टेबिलिटी व सेटिस्फेक्शन आएगा। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं,
जो अनावश्यक चिंताएं दे रही हैं, सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। बाकी शुक्र तो आपका डेवलप्ड अच्छा, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और कुल मिलाकर के जीवन में धन धान्य से संपन्न और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी करने वाला रहेगा। केतु के ऊपर जब भी फिश सिंबल की साइन हो तो धार्मिक यात्रा करें। धार्मिक यात्रा किसी भी इच्छा मनोकामनाओं के द्वारा करें, वो सारे काम आपके फिर बन जाएंगे। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है तो स्किल्स ये डेवलप करता है, नॉलेज को बढ़ाता है। और आपके हथेली में मून से कनेक्शन तो अच्छा आ रहा है, तो आपकी ट्रैवलिंग तो लाइफ में बहुत अच्छी रहने वाली है। यात्राएं आपकी हमेशा सफलदायक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में देखें आपके लक लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मून का कनेक्शन है और फिर आगे की तरफ रेखा बढ़ रही है। मून का जब भी कनेक्शन आता है लक लाइन में, तो दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण आगे बढ़ते हैं। जितना सुख घर परिवार से ना मिले, उतना सहयोग तो बाहरी दुनिया लोगों से मिल जाता है। और जब भी यहाँ पर स्टार का साइन हो सूर्य के ऊपर, तो इस कंडीशन में घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, धनवान, प्रतिष्ठावान देखने को मिलते हैं और बहुत अपने फैमिली का हेल्प करते हुए पाए जाते हैं। आपके फैमिली का काम तो आपके नाम के द्वारा भी होते हुए देखने को मिलेगा आगे चल के, लेकिन आप ये सब चीज़ें ज़्यादा किसी को शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।